तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया था. लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था और अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसा है. थोड़ा अलग है. इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 7 एक्स माइनस पाई अपॉन 5 ब्रैकेट एक्स माइनस पाई द होल स्क्वायर फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई. आपको याद आ रहा होगा जब भी फंक्शन की वैल्यू इस तरह से हो एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई तो उसका हम लिमिट लेते हैं. इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई. इस पॉइंट के लिए वो कंटिन्यूअस है. एक्स इज इक्वल टू पाई इस पॉइंट के लिए वो कंटिन्यूअस है. तो ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है. ध्यान से देखो हमको एफ पाई यानी फंक्शन की वैल्यू निकाली है व्हेन एक्स इक्वल टू पाई. तो कैसे करेंगे देखो आप सीधे लिखने वाले हो कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है. एग्जामिन नहीं करना है हमको. एट एक्स इज इक्वल टू पाई दिस इज गिवेन. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स इज पाई इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स टेंड टू पाई. जो एक्स टेंड टू पाई होगा और एफ एक्स इस तरह से हमको ये लिमिट सॉल्व करना है. लिमिट सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो एफ पाई की वैल्यू होगी. कैसे करेंगे देखो. लिमिट एक्स टेंड टू पाई एफ एक्स जो भी ये एफ एक्स सेवन एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई इसका जो लिमिट लेंगे हम लोग यहाँ रख देते हैं 1 माइनस कॉस 7 एक्स माइनस पाई. लिमिट लेना ही मेन है. किस तरह से लेना है लिमिट अच्छे से आना चाहिए आपको. अब देखो ये फंक्शन है इसको सॉल्व करना है. लिमिट सॉल्व करना है. यहाँ पर एक्स टेंड टू पाई डिनोमिनेटर में अगर एक्स की जगह पाई रखते हो एक्स की जगह पाई पाई माइनस पाई जीरो हो जाता है. डिनोमिनेटर जीरो होता है डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते. सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ देखो एक्स टेंड टू पाई यहाँ दिया हुआ है और क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स माइनस पाई है. ऐसा जब भी क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं. तो करेंगे क्या देखो ये जो एक्स माइनस पाई है इसको आप एच ऐसा सब्स्टिट्यूट करो. जैसे आप x माइनस पाई को h रख दोगे x माइनस पाई इसको h कर दिया होगा क्या. देयरफॉर ये माइनस पाई इधर आया तो x गुड पाई प्लस h हो जाएगा. x विल चेंज. और व्हेन x टेंड टू पाई अगर x पाई है या इफ x टेंड टू पाई अगर x पाई होगा तो पाई माइनस पाई जीरो h टेन टू जीरो हो जाएगा. सिंस x टेंड्स टू पाई h टेन टू जीरो हमने लिमिट चेंज कर दिया. अब ये रिक्वायर्ड लिमिट जो है ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू पाई था दैट विल चेंज टू h टेन टू जीरो 1 माइनस कॉस 7 x माइनस पाई इज h h अपॉन 5 x माइनस पाई इज अगेन h स्क्वायर. सो दिस इज आर न्यू क्वेश्चन. हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया x की जितने भी टर्म्स थे सबको h में कन्वर्ट कर दिया. नाउ टू सॉल्व दिस लिमिट कन्वर्ट दिस 1 माइनस कॉस इंटू साइन. अगेन रिमेंबर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये 2 थीटा होगा तो ये हाफ एंगल होता है. यहाँ पर सेम है 1 माइनस कॉस 7 एच है तो ये अगर मैं लेता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा होता है. 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा. लेकिन अगर कॉस 7 एच है 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह 7 एच है. यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा होता है 2 थीटा का हाफ. 7 एच है तो क्या हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर. 7 एच है तो 7 एच बाई 2 हो जाएगा. हाफ एंगल होता है ये. तो ये जो ऊपर 1 माइनस कॉस 7 एच है वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा लिमिट एच टेन टू जीरो. ऊपर जो ये है वो चेंज हो जाएगा पूरा. उसकी जगह पर आप कर सकते हो 2 साइन स्क्वायर 7 एच बाय 2 ये रिप्लेस हो गया. नीचे यहाँ देखो कि 5 एच स्क्वायर है 5 एंड एच स्क्वायर. अब क्या करना है देखो लिमिट सॉल्व करने के लिए 2 अपॉन 5 को बाहर ले लो. कॉमन है कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर लिया नंबर को एच टेन टू जीरो. यहाँ पर साइन 7 एच अपॉन 2 है एंड नीचे एच है. अब देखो दोनों में स्क्वायर है दोनों का स्क्वायर आप ले लेते हो बाहर. आगे सॉल्व करते ये फॉर्मूला आप यहाँ पर दिखा सकते हो रीजन में. सो इज इक्वल टू दिस एफ पाई इज इक्वल टू एफ पाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 लिमिट एच टेन टू जीरो. अब इसको ध्यान से देखो ये एडजस्ट करना है आपको. 7 एच बाई 2 है तो यहाँ पर एच यहाँ पर 7 अपॉन 2 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई नीचे डिनोमिनेटर में एच को. बट ये तो स्क्वायर था 7 बाई 2 का तो आप अलग से यहाँ पर ऊपर 7 बाई 2 से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हो. बट यहाँ तो उसका स्क्वायर था अब स्क्वायर भी ले लेते. अब क्या होगा देखो यहाँ पर है 2 बाई 5 लिमिट एच टेन टू जीरो. ये जो है ये पूरा अब 1 होने वाला है. ये जो आप डायरेक्ट यहाँ पर 1 इस तरह से ले सकते हो लिमिट ऑफ दिस
साइन थीटा अपॉन थीटा इज वन और उसका स्क्वायर है तो वन स्क्वायर, और अलग से आपने जो लिया था सेवन स्क्वायर 49 अपॉन 4, इसको सॉल्व करोगे ये आ गया है 49 अपॉन 5 टू जा 10, सो एफ पाई इस तरह से आ गया। इसको और अगर आगे करना है तो आप कर सकते हो 4.9, सो ये वैल्यू आ चुकी है। इस तरह से हमको जो एफ पाई निकलना था वो कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई, कंटिन्यूअस दिया है मतलब हमारे फंक्शन की वैल्यू और इस फंक्शन का जो लिमिट है वो इक्वल करना है। ये फंक्शन का लिमिट तब करेंगे व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई। इसको आप सॉल्व करते जाओगे जो भी आंसर आएगा फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। मेन जो है लिमिट आपको अच्छे से आना चाहिए, अगर लिमिट आ रहा है तो ही आपको ये आएगा। 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है अलग अलग टाइप के लिमिट, फैक्टराइजेशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्री के मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो सब आपको रिवाइज कर लेना चाहिए एक बार। इसको अभी करो। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 5 के अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चन है, सबका टाइप सेम है। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा है fx is equal to x square plus alpha for x is greater than or equal to 0, fx is equal to 2 times root x square plus 1 plus beta for x is less than 0 and f of half is 2। देखो यहाँ पर x is equal to 0 है उसके ऊपर ये कंटिन्यूअस है, बट f 0 होना चाहिए था लेकिन f हाफ दिया है। कैसे करना मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा अलग है ये। फाइंड अल्फा एंड बीटा, यहाँ पर कंटिन्यूअस दिया हुआ है, चेक नहीं करना है। जो अननोन वैल्यू अल्फा बीटा वो हमें पता करना है। कंटिन्यूअस दिया है और अल्फा बीटा पता करना है, थोड़ा अलग टाइप है बट कंसेप्ट वही है। कैसे करना है देखो, सॉल्यूशन आप लिखते हैं। सबसे पहले देखो ये एफ ऑफ हाफ दिया है, हाफ मतलब क्या होगा, जीरो से ग्रेटर है, जीरो से ज़्यादा है। एक्स की वैल्यू हाफ है 1/2, जीरो से ज़्यादा है। तो जीरो से ज़्यादा मतलब देखो ये जीरो से कम है, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इसके अंदर आएगा ये वैल्यू। आप लिख सकते हो वी हैव f of half is equal to 2 and fx is continuous at x is equal to 0, यानी कि ये continuous है। इसका मतलब क्या होगा देखो, मैं अगर f of half लेता हूँ ये function, so limit of the function when x tend to half fx, ये दोनों इक्वल होगा बिकॉज ये कंटिन्यूअस है। अब एफ ऑफ हाफ है वो 2 है, लिमिट एक्स टेंड टू हाफ है, ये देखो हाफ मतलब क्या है, 0 से ज़्यादा है, 0 प्लस है मतलब 0 से ज़्यादा। एट दैट टाइम यू विल सेलेक्ट दिस फंक्शन बिकॉज एक्स इज मोर देन 0, मोर देन 0 होगा हाफ है, तो इन दोनों में से ये सेलेक्ट होगा, इसके लिए ये फंक्शन ये सेलेक्ट होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा। सो इन प्लेस ऑफ एफ एक्स यू विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा। अब ये नहीं लिख सकते, ये लिखना पड़ेगा बिकॉज ये x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये है। सो 2 इज इक्वल टू, अब x की जगह पर डायरेक्ट हाफ लिख सकते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर नहीं है, तो अब डायरेक्ट हाफ लेते हैं x की जगह पर, हाफ स्क्वायर प्लस अल्फा। सॉल्व करो ये 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 प्लस अल्फा, 1/4 इधर आया, 2 - 1/4 इज इक्वल टू अल्फा, 4 2 8, 8 - 1 7/4, अल्फा इज इक्वल टू 7/4, सो वी गेट वैल्यू ऑफ अल्फा। Here required is what, find alpha and beta. Alpha आ चुका है, अब beta करेंगे। Now for beta, we can take this also, limit x tend to 0 ले लो। देखो यहाँ पर x tend to half क्यों दिया था, because f half दिया था, इसलिए x tend to 0 fx is equal to limit x tend to 0 fx, एक बार क्या करना है, 0 minus लेना, एक बार 0 plus लेना। 0 minus means value is less than 0, 0 प्लस मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, सो हियर इट विल बिकम लिमिट x टेन टू 0 f, अभी 0 से माइनस है, लेस देन 0, x वैल्यू लेस देन 0 ये रहा, इसके लिए फंक्शन क्या है, ये सेलेक्ट करना है आपको f x जगह 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा, ये हमारा वैल्यू आ गया फंक्शन का इधर। ना हियर लिमिट x टेन टू 0 प्लस, प्लस मतलब मोर देन 0, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा, वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, तो एफ एक्स की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा। अब वैल्यू रख दो डायरेक्ट, एक लिमिट क्योंकि अपॉन नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, एक्स की जगह 0 रखो, 2 रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स की जगह 0 रखो, तो ये 0 स्क्वायर प्लस अल्फा, जहाँ भी एक्स है 0 रख दिया। सो दिस इज वॉट 2 रूट 0 प्लस 1 इज 1, रूट 1 इज 1, 2 इंटू 1 2 प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा। सो 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड की थी यहाँ पर 7/4, यूज दैट वैल्यू हियर 7/4,
सो बीटा इज 7 अपॉन 4, 2 उस तरफ गया तो माइनस 2, बीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 4 टू 8, 7 माइनस 8 माइनस 1 अपॉन 4. सो दिस वे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. बहुत ही आसान है, फंक्शन कंटिन्यूअस दिया होता है, कंटिन्यूअस दिया होता है तो आप लोग क्या करते, इस तरह से जो भी मैंने बताया वैसे आप एक बार अल्फा निकाल लोगे, बीटा या जो भी अननोन वैल्यू है, पी क्यू आर ए बी सी डी वो आ सकता है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं. कॉपी करो क्वेश्चन नंबर 5 में. थर्ड क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस ए फॉर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1. देखो ध्यान से, लेस देन और इक्वल टू 1 यानी 0, एक्स टेंड टू 0 माइनस होगा ना एट दैट टाइम, ये याद रखना. एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब ये डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू दी हुई है. एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स 1 से ज़्यादा होगा यानी एक्स टेंड टू 0 प्लस के लिए, 0 नहीं 1 लेना है, 1 प्लस के लिए ये वैल्यू है. यहाँ पर a और b है वो फाइंड करना है और ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए. अब यहाँ पर आप देखोगे तीन तीन यहाँ पर दिया हुआ है, ये x इज लेस देन 1 है मतलब x टेंड टू 1 माइनस लेना है, x इज ग्रेटर देन 1 है मतलब x टेंड टू 1 प्लस करना है, और ये डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू 1 के लिए दिया हुआ है. तो करना क्या होता है, देखो ये तीन तीन दिया है ना, जो फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट है इसको और इसको साथ में लेंगे दोनों को, मतलब इन दोनों को एक बार में साथ में लेना, देन ये वैल्यू और इसको साथ में लेना. जब इन दोनों को एक साथ करोगे सॉल्व तो a आ जाएगा, और इन दोनों को एक साथ सॉल्व करोगे तो b आ जाएगा. ये कंसेप्ट होता है सॉल्यूशन. देखो क्या है, हम लिखेंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, देयरफोर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे 1 पे एफ 1 विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ एक्स, ये आएगा. अब ये एक्स टेंड टू 1 एफ एक्स ये माइनस लेके देखते पहली बार हम क्या करेंगे, माइनस यानी इसके लिए ये दोनों को साथ में ले रहे हैं, एक्स इज लेस देन 1 है तो ये वाला फंक्शन और ये फंक्शन लेंगे. ये तो डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू दी हुई है एफ वन, दैट इज 2 पाई इज गिवन, एफ वन दिया हुआ 2 पाई, एफ वन 2 पाई दिया है, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए 2 पाई दिया है, एफ वन इज इक्वल टू, अब ये एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स, मतलब क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ एक्स सेलेक्ट करना है, माइनस मतलब एक्स की वैल्यू 1 से कम है, देखो ये कम है एट दैट टाइम एफ एक्स इज दिस, तो ये आ जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस ए. तो इस तरह से है. अब इसको सॉल्व आप करोगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी. सेम ऐसे ही जब इन दोनों को साथ में लोगे तो बी की वैल्यू आएगी. यहाँ मेन क्या है, लिमिट सॉल्व करना आना चाहिए. अब चलो इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ. लिमिट ये 2 पाई ऐसे रह जाएगा लिमिट. अच्छा अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर एक्स टेंड टू 1 है और यहाँ पर एक्स माइनस 1 है, यहाँ एक्स की जगह 1 रखोगे 1 माइनस 1 0 हो रहा है डिनोमिनेटर. सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहिए, कभी भी याद रखो यहाँ दोनों जो है यही माइनस में आया होगा डिनोमिनेटर में, तो इसको रिप्लेस करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. ऐसे एक्स माइनस 1 को आप एच ले लो, देयरफॉर एक्स विल बी माइनस 1 उस तरफ गया तो 1 प्लस एच, ये हो गया. और अगर एक्स टेंड टू 1 है, सिंस एक्स टेंड टू 1 देयरफॉर अगर एक्स 1 होता है तो 1 माइनस 1 0, एच टेंड टू 0 हो जाएगा. तो चेंज ऑफ लिमिट कर रहे हैं हम यहाँ पर, 2 पाई इज इक्वल टू लिमिट, ये जो एक्स टेंड टू 1 था वो चेंज होके हो गया एच टेंड टू 0. ये साइन पाई एक्स, एक्स क्या आया था देखो 1 प्लस एच अपॉन एक्स माइनस 1 है वो एच हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस ए, लिमिट इसका लेंगे तो वो इसका लिमिट वही आएगा, उसको ए को ए रखो. अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, 2 पाई इज इक्वल टू, देखो इसको ध्यान से कैसे करेंगे, लिमिट एच टेन टू 0 साइन पाई का मल्टीप्लाई अंदर होगा साइन पाई इंटू 1 पाई प्लस पाई इंटू एच पाई एच अपॉन एच प्लस ए. सॉल्व करना है इसको हमें. नाउ नेक्स्ट, 2 पाई इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0. अब देखो साइन पाई प्लस थीटा याद आ रहा होगा आपको, 11th में आपने सीखा है पाई प्लस थीटा. पाई प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 0 पाई बाई 2 पाई. पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट. ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है बट ये तो साइन है निगेटिव होगा. साइन पाई प्लस थीटा है, पाई को हटाएंगे तो साइन का साइन रह जाएगा थीटा आएगा, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए निगेटिव आएगा माइनस साइन थीटा. सो सिमिलरली साइन पाई प्लस पाई एच माइनस साइन पाई एच आ जाएगा माइनस साइन पाई एच.
एंड अपॉन जो है एच है प्लस ए। अब आगे देखो 2 पाई इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर ले लोगे, माइनस लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन पाई एच अपॉन एच प्लस ए। यहाँ पर पाई है तो पाई से इधर नीचे मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करो सेम सेम करने के लिए, पाई एच और पाई एच हो गया। डिनोमिनेटर में पाई से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ऊपर करो एडजस्ट करने के लिए, ये हो गया 2 पाई इज इक्वल टू माइनस पाई इन टू, ये पूरा जो है वन हो जाएगा। यहाँ रीजन लिखोगे साइन थीटा अपॉन थीटा का लिमिट वन होता है प्लस ए, माइनस पाई इन टू वन, माइनस पाई इस तरफ आया तो 2 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू ए, सो ए इज इक्वल टू 2 पाई इन वन बाय 3 पाई। इस तरह से हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड कर ली है। चलो अब देखते हैं बी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। जैसे मैंने बताया इन दोनों को साथ में लिया अपने तो ए की वैल्यू आ गई। हमेशा फंक्शन की जो वैल्यू है फॉर एक्स इक्वल टू वन उसका यूज हर बार करना है। अब इसका यूज इसके साथ करते हैं, कैसे आएगा देखो। ऑल्सो ये जो है फंक्शन की वैल्यू है व्हेन एक्स इज वन, यानी एफ वन इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर हमारा एक्स टेन टू जीरो है। अब की बार क्या करेंगे ये लेने वाले, यानी कि जीरो वन है, एक्स टेन टू वन है, यहाँ पर देखो वन है और एक्स वन से ग्रेटर है तो वन प्लस एफ एक्स, याद रखना ये। यहाँ पर क्या किया था हमने, एक्स टेन टू वन माइनस एफ एक्स लिया था। अब एफ वन कितना दिया हुआ है 2 पाई, सो ये दिस इज 2 पाई। अब लिमिट एक्स टेन टू वन प्लस, प्लस क्या डिसाइड करेगा ये एक्स ग्रेटर देन वन, ये वाला फंक्शन एफ एक्स की जगह लिख दोगे वन प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई वन माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस बी। इसको भी सेम ट्रिक से हमें सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ एक्स टेन टू वन है, यहाँ वन माइनस एक्स है, सेम ट्रिक यूज करो। कैसे करेंगे, पुट एक्स माइनस वन है तो यहाँ पर वन माइनस एक्स है, तो आप डायरेक्ट वन माइनस एक्स को एच रख दो या एक्स माइनस वन करोगे तो भी चलेगा। देयरफॉर एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एच इधर आया एक्स उधर गया तो वन माइनस एच, तो एक्स आ गया वन माइनस एक्स को एच लिया। एज सिंस एक्स टेंड्स टू वन, अगर एक्स वन है वन माइनस वन जीरो, एच टेंड्स टू जीरो। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, टू पाई इज इक्वल टू लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट एक्स टेंड टू वन था एच टेंड टू जीरो हो गया, ये हो गया वन प्लस कॉस पाई एक्स, एक्स इज रिप्लेस बाय वन माइनस एच, वन माइनस एच नीचे पाई, ये वन माइनस एक्स था वो हो गया एच, एच स्क्वायर प्लस बी। अब ये जो लिमिट है ये दोनों का था, बट लिमिट जब इसके पास जाएगा तो बी का लिमिट बी रहेगा बिकॉज वो कांस्टेंट है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे देखो, इसको जैसे किया था पहले उसी तरह से करना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 पाई इज इक्वल टू, 2 पाई इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू जीरो, काफ़ी लंबा हो रहा सोल्यूशन, डरो मत बहुत आसान है, वही काम बार बार कर रहे हैं हम। वन प्लस कॉस, वन प्लस कॉस, नाउ ये जो पाई का मल्टीप्लाई दोनों में करो, पाई इंटू वन पाई माइनस पाई एच, पाई माइनस पाई एच अपॉन में जो है वो पाई एच स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस बी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वन प्लस, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो कॉस पाई माइनस थीटा, ध्यान से देखो कॉस पाई माइनस थीटा, अभी जैसे हमने किया था पाई बाय टू पाई, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, पाई माइनस मतलब पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव आएगा, पाई हटाओगे कॉस का कॉस आ जाएगा थीटा बट नेगेटिव आएगा, तो यहाँ भी वही होगा टू पाई इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू जीरो, ये वन कॉस पाई माइनस हटेगा तो निगेटिव आ जाएगा और कॉस पाई एच, इलेवेंथ का कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का मैंने यहाँ बताया आपको, और ये हो गया पाई एच स्क्वायर प्लस बी। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, टू पाई इज इक्वल, अब देखो यहाँ पर वन माइनस कॉस थीटा, आपको याद आ रहा होगा वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला याद आ रहा होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये रिप्लेस करेंगे तो वन माइनस करेंगे तो भी यही आएगा। अब यहाँ पर वन माइनस कॉस पाई एच है, वन माइनस कॉस पाई एच, यहाँ टू थीटा का थीटा हो जाता है, ये क्या हो जाएगा देखो टू साइन स्क्वायर, टू थीटा का हाफ हो जाता है थीटा, पाई एच का क्या हो जाएगा पाई एच बाई टू हो जाएगा। सेम यहाँ पर यूज़ करते हैं, लिमिट एच टेन टू जीरो, ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर पाई एच बाय टू, और नीचे आप देखोगे पाई एच का स्क्वायर है प्लस हम लोग अलग से लेते बी। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, टू पाई इज इक्वल टू, मेन हमको लिमिट सॉल्व करना ही मेन है, लिमिट एच टेन टू जीरो
ये जो 2n नंबर है बाहर आ गया, देखो ये 2 एंड पाई दोनों को बाहर ले लो, 2 एंड पाई. नाउ लिमिट h टेंड टू 0 साइन पाई एच अपॉन 2 और नीचे h, यहाँ दोनों स्क्वायर था, दोनों का स्क्वायर आप डायरेक्ट बाहर ले लो इस तरह से. एंड क्या रहेगा यहाँ पर, ये पाई बाई 2 यहाँ पर आएगा तो ये स्क्वायर है, इसलिए पाई बाई 2 द होल स्क्वायर आपको लिखना है, प्लस बी को साइड में ले लेते हैं. अब इसके आगे हम ऐसे करेंगे, 2 पाई इसको ऐसे ही रखो, ये भी ऐसे ही रखो, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये साइन थीटा अपॉन थीटा 1 है, 1 स्क्वायर 1 हो गया, और ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 प्लस बी. ये प्लस बी जब तक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करके इस तरफ लाएंगे, कैंसिल मत करो. 2 पाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 है, ये एक पाई से एक पाई कैंसिल हो सकता है, प्लस के पहले जितने भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो. क्या बच गया देखो, 1 स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पाई अपॉन 2 सिर्फ रह गया और प्लस बी हो गया. पाई बाई 2 को अब इस तरफ लाएंगे, 2 पाई ये इस तरफ आए तो माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू बी. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 टू जा 4 पाई माइनस 1 पाई, 3 पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू बी, यानी बी आ गया है 3 पाई अपॉन 2. अभी आपने देखा इसका जो सोल्यूशन है इतना लेंथी हो गया, क्यों हो गया, बिकॉज इसका लिमिट सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ गया. तो कंटिन्यूटी जो कंसेप्ट है वो तो आसान है, बट इसमें जो लिमिट है वही है, एक्चुअली आप लिमिट चैप्टर कर रहे हो ऐसा आप समझ सकते हो. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें ए और बी इस तरह से ये अल्फा बीटा अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है, बहुत आसान होता है ये, जैसा मैंने बताया ऐसे ही सब क्वेश्चन को करना है, इसको कॉपी कर. क्वेश्चन नंबर 5 में फोर्थ सिक्स क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स प्लस बी और 21. यहाँ पर जो डोमेन है अलग अलग दिया है, जब x की वैल्यू 2 से लेस है या इक्वल है तो 5 है फंक्शन की वैल्यू, व्हेन x इज इन बिटवीन 2 एंड 10 देन द फंक्शन वैल्यू इज x प्लस बी, व्हेन x वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 देन इट इज 21. यहाँ पर आप देखोगे दो बार ब्रेक हो रहा है, एक बार 2 पे ब्रेक हो रहा है और एक बार 10 पे ब्रेक हो रहा है. तो हम लोग को ये सेम क्वेश्चन कैसे करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड a एंड b. सॉल्यूशन आप लिखते हो, इसको कैसे करना है देखो बताते हैं, कि फॉर x इज इक्वल टू 2 पहले चेक करेंगे हम, 2 के ऊपर ब्रेक हो रहा है, फिर दूसरा 10 के ऊपर, दो बार करेंगे, एक बार x इज इक्वल टू 2 के लिए, एक बार x इज इक्वल टू 10 के लिए. तो आप ऐसे लिखोगे लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स. यहाँ पर देखेंगे हम लोग लिखेंगे कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये दिया हुआ है, जब भी ऐसे कॉन्टिन्यूस हो तो हम लोग डायरेक्ट ये ले सकते हैं. तो सबसे पहले 2 के लिए चेक कर रहे हैं, एक्स टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स, इसका मीनिंग क्या है ध्यान से देखो, एफ एक्स सेलेक्ट करेंगे व्हेन एक्स वैल्यू इज लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब देखो यहाँ पर एक्स वैल्यू इज लेस देन 2 दैट इज 5, तो ये एफ एक्स 5 आया. नाउ लिमिट एक्स टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 प्लस मतलब मोर देन 2, 2 से ज़्यादा, x की वैल्यू देखो 2 से ज़्यादा यहाँ पर है, ए एक्स प्लस बी. सॉल्व करेंगे ये 5 है, लिमिट x टेंड टू 2, यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है, डायरेक्ट x की जगह 2 रख दो तो a इंटू 2 टू ए प्लस बी. तो हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1. अब हम लोग सेम टेक्निक से 10 के लिए करेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 10 सेम हाँ, लिमिट x टेंड टू, अब की बार 10 लेना है, 10 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 10 प्लस एफ एक्स. क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 10 एफ एक्स. अब 10 माइनस मतलब 10 से कम, 10 से कम कब है, x इज लेस देन 10, ये रहा ax प्लस बी, और लिमिट x टेंड टू 10 प्लस, 10 प्लस मतलब मोर देन 10, मोर देन 10 ये 21. अब यहाँ पर 10 रख दो x की जगह, 10 इंटू ए, 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 21. सेकेंड इक्वेशन मिल गया. अब दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. ये क्या था देखो, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21. सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, डायरेक्ट करेंगे थोड़ा, देखो 10a माइनस 2a 8a, b माइनस बी 0, 21 माइनस 5 16. सो a इज इक्वल टू 16 बाई 8, 2 आ चुका है. b फाइंड करने के लिए कोई भी इक्वेशन लो फ्रॉम 1, यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, 5 इज इक्वल टू 2a, 2a, a मीन्स 2 प्लस b दिया हुआ है, ये हो गया 5 इज इक्वल टू 2 सा 4 प्लस b, सो b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, b इज इक्वल टू 1. तो इस तरह से हम लोग a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान था. जब इस तरह से डोमेन दिए हो तो हम लोग को
जितने भी बार वो ब्रेक है 2 और 10 उतने बार हम लोग इस तरह से लिमिट निकाल सकते हैं और इक्वेट कर सकते हैं। तो ए और बी फाइंड हो गया। अब ये जो एक्सरसाइज है इसका लास्ट क्वेश्चन चल रहा है फिफ्थ, जिसके अंदर हमने सिक्स तक कर लिया है। अब इसके बाद सेवन्थ और एट्थ है। सेवन्थ बहुत ही आसान है, इससे भी ईजी है, थ्री फोर लाइन्स में सॉल्व हो जाएगा। जो कॉम्प्लिकेटेड है वो एट्थ क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बताता हूँ, इसको कॉपी कर लो। सो क्वेश्चन नंबर 5, एट्थ क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1। एफ एक्स इज गिवन दिस फॉर एक्स इज लेस देन 0। एफ एक्स इज सी फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। देखो कैसे करना है, सेम टेक्निक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, x इज लेस देन 0 और x इक्वल टू 0 इन दोनों को इक्वेट करो तो आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी। बाद में x इज इक्वल टू 0 के साथ इसको इक्वेट करो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ आप लिखते हो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए फंक्शन की वैल्यू 0 पे लिमिट को इक्वल होगी लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स। यहाँ 0 माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हो, साथ में भी ले सकते हो। अब देखो एक बार इन दोनों को मैं लेने बोला आपको, इन दोनों को ले लो। यहाँ पर माइनस लेते f0 मीन्स दिस इज गिवन व्हेन x इज 0 फंक्शन की वैल्यू c लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, मतलब x की वैल्यू 0 से कम है उस टाइम जो फंक्शन है वो सेलेक्ट करेंगे एफ एक्स की जगह पर, और ये आ जाएगा साइन ए प्लस 1 एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। अभी आपको सिर्फ ये लिमिट सॉल्व कर देना है और आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे होगा देखते। सो c इज इक्वल टू, अब ये जो x है वो दोनों के नीचे स्प्लिट कर दो, लिमिट भी दोनों के पास चला जाएगा। लिमिट x टेंड टू 0 दिस इज व्हाट साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस, ये जो x है इसके नीचे भी जाएगा साइन x के नीचे x, ये जो लिमिट है उसको भी इस तरफ दे दो लिमिट x टेंड टू 0। लिमिट सॉल्व करने का तरीका, अब क्या करेंगे देखो, ये तो होने वाला है 1, सीज यहीं पर इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर देखो साइन के साथ एंगल ए प्लस 1 इंटू एक्स है, यहाँ पर तो सिर्फ एक्स है तो दोनों एंगल सेम आना चाहिए, तो ये ए प्लस 1 का यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो नीचे और सेम ए प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। अब होगा क्या, ये हो चुका है लिमिट साइन थीटा अपन थीटा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ बच गया है सी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इंटू ये पूरा आ गया 1 प्लस, ये भी हो गया 1। आगे करके देखते हैं इसको, सी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इंटू 1 इज सेम प्लस यहाँ पर जो सेकेंड वाला 1 है वो आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और देखते क्या आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर हम लेंगे फंक्शन की वैल्यू जो सी दी हुई है एफ ऑफ सी एफ ऑफ 0, मतलब जब 0 है उस समय, और यहाँ पर ये वैल्यू देखो तो कैसे आएगा, देखो लिमिट x टेन टू 0 प्लस एफ एक्स आप ले रहे हैं, 0 से ज़्यादा होगा तो ये फंक्शन है। एफ 0 की वैल्यू डायरेक्ट सी दी हुई थी, सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा लिमिट x टेन टू 0 प्लस, मतलब ये फंक्शन सेलेक्ट करना है आपको एफ एक्स की जगह पर, ये है x प्लस बी एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ माइनस एक्स रेज टू हाफ अपॉन बी एक्स रेज टू हाफ। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखो, इसका भी लिमिट लेना ही इंपॉर्टेंट है, एक बार लिमिट आ गया तो सॉल्व हो गया ये। c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ आप देखोगे नीचे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x कॉमन है x, और ये हो जाएगा 1 प्लस बी एक्स, इस तरह से हो गया। अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों में से एक x कॉमन ले लिया, यहाँ 1 और प्लस बी एक्स रह गया, जो पार हाफ है वो दोनों के ऊपर चला जाएगा, पूरे का बार हाफ था हमने स्प्लिट यहीं पर कर दिया, और माइनस एक्स रेस टू हाफ अपॉन बी एक्स रेस टू हाफ। अगले स्टेप में क्या करेंगे देखो, c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 एक्स रेस टू हाफ, यहाँ ऊपर कॉमन हो गया x रेस टू हाफ, यहाँ आ गया 1 प्लस बी एक्स रेस टू हाफ माइनस 1 अपॉन में आप देखोगे x रेस टू हाफ और b है, ये मल्टीप्लाई है, कैंसिल आउट कर सकते हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर। अब होगा क्या, यहाँ आपको लिखना चाहिए सिंस x टेंड टू 0 x इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ये कैंसिल हो चुका है डिनोमिनेटर में, देखो x अब गायब हो चुका है, अब डायरेक्ट x की जगह पर 0 रख सकते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर में ओनली b है।
सो सी इज इक्वल टू डायरेक्ट एक्स का जीरो रखो, ये हो जाएगा 1 प्लस बी इंटू जीरो जीरो रेस टू हाफ माइनस वन अपॉन बी, इस तरह से आया। ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू 1 प्लस जीरो वन रेस टू हाफ वन माइनस वन जीरो जीरो अपॉन बी, सो सी इज इक्वल टू जीरो आ चुका है ये। यानी यहाँ पर क्या है, जीरो अपॉन बी जीरो होता है, सी जीरो आ गया, सी जीरो आ गया। इक्वेशन टू है, अब यहाँ से वन एंड टू का हेल्प से आप इसको आगे फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम वन एंड टू ये देखोगे सी इज इक्वल टू ए प्लस टू, सी तो जीरो था तो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस टू, ए विल बी माइनस टू। इस तरह से हमें सी मिल गया और ए मिल गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, बी की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। अब सी और ए की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर देखो सी इज इक्वल टू जीरो अपॉन बी है। अगर सी, इसका मतलब क्या होता है, कभी भी ये डिनोमिनेटर जो है ना, यहाँ पर हमको एक वैल्यू लेना होगा कि जीरो अपॉन बी, हमने जीरो ले लिया सी की वैल्यू, बट यहाँ पर जो बी है उसको हम यहाँ अलग से लिख देंगे, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये जीरो अपॉन जीरो कर देंगे तो इन्फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, यानी बी जो है जीरो नहीं है। इस तरह से तो हम लोगों को मिल गई है वैल्यू, ए इज माइनस टू, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा फाइनल आंसर है। और इस तरह से जो एक्सरसाइज वन था वो कंप्लीट हुआ। बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन थे, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चन थे, सारे के सारे कंप्लीट हो गए। कुछ मैंने स्किप किए आप लोगों के लिए, आप खुद से करो उसको।